रोडीज के इस सीजन में गैंग लीडर जो है बनकर नजर आ रही हैं रिया चक्रवर्ती। लेकिन रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने अब सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई, इन सारी चीजों को लेकर खुलकर बात की है। क्या कहा है रिया ने, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो सुशांत के निधन के बाद तीनों एजेंसी, अगर मैं कहूं तो, रिया की जांच कर रही थी और रिया को काफी समय तक काम भी नहीं मिला था। लेकिन अब रिया ने इस बारे में खुलकर बात की। उसने कहा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे भी लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, बहुत कुछ कहा है, ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, ऐसी ऐसी चीजें कही हैं, पर क्या उनकी वजह से मैं चीजें मानूंगी, क्या मैं उनकी वजह से लाइफ में रुकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं उनकी आवाजों को जरा सा भी जोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं। मेरी अंदर की आवाज है और वो सुननी चाहिए। टू हेल विद देम हु आर दे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं कि उनकी सुनने के लिए बैठी हूं, वो कहती हैं। डू आई स्टॉप लिविंग, क्या मैं जीना छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और रिया ने इसके बाद जो है अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है नेवर गिव अप। तो ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी रोडीज के दौरान उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सारी चीजों पर बात की थी और कहा था कि लोग तो बोलते रहेंगे लेकिन मैं जीना नहीं छोड़ सकती। उनके साथ इस सीजन में गौतम गुलाटी, सोनू सूद और प्रिंस नरूला जो है नजर आ रहे हैं। शुरू में खबर आई थी कि प्रिंस और गौतम ने रिया के साथ एक ही फ्रेम शेयर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि रिया जब इस शो का हिस्सा बनी और जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी हो रही थी, उस तरीके की ट्रोलिंग का हिस्सा प्रिंस और गौतम नहीं बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने रिया के साथ शूट करने के लिए भी मना कर दिया था।